स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.8 कर रहे थे, इसके 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6 करेंगे। बड़ा ये क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान सा है कि टू कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी 52 प्लेइंग कार्ड्स है जो ताश के पत्तों से अब दो कार्ड निकाल रहे हैं। इन सच अ वे, इन इस तरीके से डेट द कार्ड इज रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग। जब आप एक कार्ड निकालते हैं ना, दूसरा कार्ड निकालने से पहले उस कार्ड को पहले वाले को दोबारा वापस रख देते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस, अब आपने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट ये है जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड इज क्वीन। जो पहला कार्ड हम निकाल रहे हैं वो किंग है, और दूसरा वो क्या है, क्वीन है। ठीक है, और दूसरे में बोथ द कार्ड आर फेस कार्ड, यानी दोनों कार्ड क्या है, फेस कार्ड है। अब बेटा पहले स्टेप में तो हम लोग सैंपल स्पेस बनाएंगे। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। बेटा देखिए, जो एस है वो जो टोटल कार्ड्स है, कितने, जो टोटल टोटल प्लेइंग कार्ड्स। तो आपको याद है कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, तो देयर फोर एन एस आपके पास आ जाएगा 52। अब आपने फर्स्ट पार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि जो कार्ड आप निकाल रहे हैं ना, पहला किंग है, दूसरा क्या, क्वीन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट लेट ए बी द इवन डेट ड्रॉन कार्ड इज किंग इज अ किंग। ठीक है, तो अब आपको याद होगा बच्चे, जो किंग कितने होते हैं, वो चार होते हैं। ठीक है, तो ए आपके पास आ जाएगा 4 किंग कार्ड्स। एन ए आपके पास आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इवेंट में इज इक्वल टू एन एस। बेटा देखिए, ये आपके पास क्या है, 4 एन ए है और एन एस 52 है। अब ये 4 1 4 4 13 है। बेटा देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एक किंग हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/13। ठीक है, अब बेटा जब आपने दूसरा कार्ड निकालना है ना, तो पहले कार्ड को वापस रख देना है। ठीक है, जब वापस रख दिया तो दोबारा 52 ही हो जाएंगे, और आप दूसरा कार्ड कहते हैं क्वीन हो, तो अब हम ये लिखते हैं लेट लेट बी बी द लेट बी बी द इवेंट दैट ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन। अब बेटा चार क्वीन के कार्ड होते हैं। ठीक है, ये 4 क्वीन कार्ड्स, और यहाँ आपका एन बी आपके पास आ जाएगा 4। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस। ये आपने निकाला है 4/52, एन बी 52 4 है और एन एस 52 है, तो ये कैंसिल कर दो, 4 1 4 4 13 है। ठीक है, अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगी 1/13। अब आपने दोनों कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, अब नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो आपको याद होगा इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए एंड बी, या ए एंड बी बोथ, बोथ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
ब्रेथ के ही आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 1/13 है और दूसरा भी 1/13 है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/52। तो बेटा ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, दोनों कार्ड्स निकालेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/52। अब बेटा देखिए पार्ट टू में क्या कह रहे हैं कि बोध बोध इन्हें पार्ट टू में क्या कह रहे हैं, बोध कार्ड्स आर फेस्ड ऑन, फेस कार्ड्स बोध कार्ड्स आर फेस कार्ड। बेटा यार कि जो फेस कार्ड होते हैं ना वो 12 होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड्स क्या होते हैं, अब 4 किंग होते हैं, इनके पर पिक्चर बनी होती है। ठीक है, किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 जैक होते हैं। ठीक है, 4 क्या होते हैं, जैक। ये मिलके 12 हो जाते हैं। ठीक है, मिलके 12 हो जाते हैं। अब इन्हीं कह रहे हैं जो कार्ड निकाल रहे हैं ना, जो पहला कार्ड निकाल रहे हैं वो भी फेस कार्ड है, दूसरा कार्ड है वो भी क्या है, फेस कार्ड है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि लेट एन एस, तो वही होगा एन एस, तो आपके पास क्या है 52 है, एन एस आपके पास कितना 52 है। अब हम यहाँ लिखते हैं लेट ए बी द इवेंट, लेट डोंट कार्ड इज अ फेस्ड कार्ड। बेटा देखिए क्या होता है, फिर बिना विभाग होता है कि ये फेस कार्ड कितने होते हैं, ये कितना आ जाएगा 12, यानी 12 फेस कार्ड। आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एन ए आपके पास आ जाएगा कितना 12। ठीक है, अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस, ये आपके पास आ जाएगा 12/52। ठीक है, 12/52, तो अगर आप चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 12 और 4 13 52, ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/13। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया 3/13। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो आपने दोबारा फेस कार्ड निकालना है ना, तो पहले वाले को वापस रिप्लेस कर देना। ठीक है, पहले वाले कार्ड को याद रखिएगा, पहले वाले कार्ड को वापस रख देंगे तो फेस कार्ड भी 12 ही रहेंगे और दूसरे टोटल कार्ड भी क्या रहेंगे, 12 ही रहेंगे। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे ऑल्सो लेट बी द इवेंट दैट सेकंड ड्रॉ सेकंड ड्रॉन पार्ट इज ऑल्सो अ फेस्ड का। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका 20 12, क्योंकि आपने रिप्लेस कर, ये भी कितना आएगा 12 फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड। तो एन बी आपके पास आ जाएगा कितना 12। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
एन बी ओवर एन एस, ये आपको दोबारा आ जाएगा 12 ओवर 52, और ये 3 4 3 द और 4 13 द, ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, और बी आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 30। अब आपने दोनों कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, अब हम लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाला है 3 ओवर 13, और बी भी निकाला 3 ओवर 13। बेटा देखिए, ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 9 ओवर 169, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है। अब बेटा देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, 7 8 और 9 आसान से एक ही तरह से होंगे, ठीक है, तो अब आपको मैं 7 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कि टू डाइस आर थ्रोन ट्वाइस, टू डाइस तो इसमें ये पेन के इधर में लिखने में मसला है, टू डाइस आर थ्रोन थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, डेट सम ऑफ डॉग्स शो इन द फर्स्ट थ्रो इज 7 एंड डेट ऑफ डेट ऑफ एंड 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 डेट ऑफ द सेकेंड इज 11। बेटा हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है कि दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डॉट शोज इन द फर्स्ट थ्रो इज 7, पहली थ्रो में सम 7 है और दूसरी थ्रो में सम क्या है 11 है, ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम बनाएंगे सैंपल स्पेस, आपको याद होगा लेट एस बी द सैंपल स्पेस, तो बेटा अब हम ना इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे, आपको याद होगा, देखें ये 1 1 1 होता है, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, 1 6, फिर आपके पास 2 1, ठीक है, 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, और फिर 2 6, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1, फिर 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6, और फिर आपके पास आ जाएगा 5 1, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर 5 4, फिर 5 5, फिर 5 6, फिर 6 1, फिर 6 2, फिर 6 5, और फिर 6 6। बेटा ये आपने बना दी सैंपल स्पेस, यस। अब देखिए यहाँ पे एन एस आपके इसी से, क्योंकि आपने क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, अब एन एस आपके पास आ जाएगा कितना 36,
अब बेटा देखिए क्या कह रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हो कि सम क्या है, सेमिन है, ठीक है। यानी पहली थ्रो पे सम क्या है, सेमिन है। तो हम ये लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, इवेंट लेट ए बी द इवेंट दैट सम और डॉट्स इज सेवन। बेटा देखिए सेवन जो आपके पास किस किस में आएगा, सेवन आएगा देखिए, सेवन एक दो आ जाएगा आपके पास 1.6 में, ठीक है, फिर 2.5, ठीक है, फिर 2.5, फिर 3.1 में, 1.2.5, फिर 3.4 में, सॉरी 3.4 में, फिर 4.3, फिर 5.2, फिर 6.1। ये आपके पास आ गया इवन जो एट है। अब बेटा यहाँ पे देखिए एन ए आपके पास आ जाएगा, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहीं पे इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 6/36। अब ये कैसे पता है, 6 1 6 और 6 6 36। तो ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपके पास आ जाएगा 1/6। ये सम क्या हो, सेवन हो तो ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने कहा कि सम क्या हो, 11 हो, तो सम 11 देखिए एक में होता है 5.6 में, ठीक है, और एक 6.5 में। अब हम लिखते हैं लेट बी बी द इवेंट दैट सम ऑफ द डॉट्स डॉट्स इज 11। बेटा देखिए जो 11 है वो किसमें आएगा, एक आएगा 5.6 में, एक आ जाएगा 6.5 में, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया बी। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपके पास क्या आ जाएगा, 2। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू एन बी ओवर एम एस। बेटा देखिए आपके पास आ जाएगा 2/36। अब ये कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 18 है, ये आपको वैसे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/18, ठीक है। अब हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अब हमें लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो दोनों की निकालें, ठीक है। जब दोनों की एंड का होता है तो आप हमेशा इंटरसेक्शन में लिखते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास कितना था, 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/18। बट इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/08, ये आपका आंसर है। बेटा इसके रिमेनिंग क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो वो आप कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कोई मसला हो तो आप जो है ना क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़।